हेलो जी, कैसे हो सारे? ज़रूर बताइएगा। हम तो जी बिल्कुल ठीक हैं। और इस टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे के लगभग टाइम हो रहा है जब मैंने वो लोग की शुरुआत करी है। सुबह सुबह कोई क्लिप नहीं निकाली थी क्योंकि काम इतना हो गया था आज, बस पूछो ही मत। फिर अपना गेहूँ की कटाई हो गई थी तो गेहूँ आ गए हैं, और आप सब भी हमारे साथ वो लोगों में एंड तक जरूर बने रहा करो। वो लोग ना फुल सपोर्ट कराया करो, फुल प्यार दिया करो। ये बछान लग गई हूँ मैं पल्ली, क्योंकि जितने अपना गल त्याणा गेहूँ खंडेंगे तो इससे पल्ली पर खंड खंड लेवेंगे। मैंने तो सोचा था कि नहीं बछाऊँ, फिर मेरी माँ भी कहने लगी और ईशिका के पापा भी। फिर मैंने अपना बिछाए दी पल्ले की, भाई खंडेंगे तो सही ढंग तो अपना फिर उठाए जाऊंगे, सब लग जाऊंगे अपना काम पर। और आज तो देखो जी कौन कौन अपना इस काम में भागीदारी ले रही हैं, क्योंकि हम सब के लिए खुशी का ही दिन होता है जब हमारे गेहूँ आते तो सभी बोलते कि हम भी तुरवाएंगे, हम भी तुरवाएंगे। तो राहुल और मेरे जीजा जी लग गए हैं अपना गालने और हम डो देवेंगे। ये हैं मेरे जेठ जी और ईशिका के पापा भी तरवावा हैं, और ये हैं मेरे जीजा जो बड़ी बहन है उसके घर वाले। तो आज सब भी लगा दिए काम पर, और धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। आज तो हवा भी नहीं चल रही थी, क्योंकि हवा चल जावे तो फिर थोड़ी सी गर्मी कम लाग गए। आज तो जमा नुका करने की पता भी नहीं लगता, वो एक काम हो रहा था। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, आज बच्चों के साथ भी ऐसा बन रहा है कि सुबह जाने से मना कर रहे थे क्योंकि शादी में जाना है आज मेरी बड़ी बहन के साथ ही, और मेरे बाबूजी भी जाएंगे। तो आज उनका मन नहीं कर रहा था जाने का, फिर वह चले गए। ये बोला गया कि दोपहर को जब जाएंगे तो लेकर के आ जाएंगे। फिर अपना सब हम माँ को मना कर रहे थे कि नहीं माँ हम ही उतार जाएंगे, पर माँ तो मानी नहीं। मेरे बाबूजी लेकर आ गए हैं ठंडा ठंडा ताज़ा पानी, क्योंकि हमने पानी बाहर से लेकर आना पड़ा है पीने का। घर आ तो अपना फुल बाजी रवा है, पर जो अपना घर का पानी है नलका लगा लियो, वो चाय दूध में डालते ही यानी चाय भी ख़राब हो जाती है और दूध भी फट जाता है, तो इस कारण तुमने बाहर से लाना पड़ता है पानी। वो ठंडा ठंडा पानी आ गया तो थोड़ी देर जब जोटा लगाओगे तो पानी भी पी लेंगे। मेरे बाबूजी बोल रहे थे कि पानी ले आया हूँ ठंडा पी लो, अभी किसी को प्यास नहीं थी तो सब मना कर रहे थे, और बाबूजी भी नहीं मान रहे थे क्योंकि बहुत ही चाह होता हमें गेहूँ उतरवाने का। बाबूजी से भी मना कर रहे थे लेकिन बाबूजी बोल रहे थे नहीं मैं भी उतरवाऊँगा, तो साथ में लग गए हैं। फिर मेरी माँ जो भी अपना नाली में गेहूं जाने लग रहे थे तो कट्टा भी छाने लग रही है। फिर आ गई है, ये है मेरी जेठानी, तो ये भी पीछे रहने वाली नहीं थी, ये बोली मैं भी उतरवाऊंगी। तो सारे आने लग रहे थे बारी बारी से, अब आ गए हैं सोहित बेटा, बोले मैं भी उतरवा देता हूँ। ऊपर जो कि ट्रैली में इनके गलकाए थे तो इन्होंने पहले उतार लिए थे। उस टाइम पे मैं काम लग रही थी तो ईशिका के पापा ने और इन नहीं उतार दिए थे। अपना इस कमरे में डालते जाऊंगे गेहूँ को, इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमने बार बरामदे में उतारे थे तो सारे का दाना ही दाना हो गया था, तो अब की बार सोचा कि एक जगह रह जाऊंगी। और कई दिनों के बाद गेहूँ की टंकी भरी जाओगी जब ये ठंडे हो जाओगे, पसीना सा निकल जाओगा एकदम से। हमें टंकियों में भर देते, तो एक बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि टंकी जमा
बस पूछो ही मत, उस टाइम पर जर्सी गई थी तो सारी गेहूँ निकालने पड़ गई थी। फिर उसके बाद तो हम कई दिनों तक बाहर रखते हैं, फिर जो पसीना वगैरह, क्योंकि गेहूँ अब सुबह सुबह आए हैं कट के, ओस भी थी और धूप भी थी, तो इस कारण से ठीक नहीं रहता। फिर आ गई थी अवनी रेडियो के, अवनी आई थी सेफ्टी पिन पूछन, मौसी सेफ्टी पिन दे दे, मखा बेटा ऊपर रखे हैं ले जाओ। सब अपना रेडी होने लग रहे थे। आज प्रीति का और मेरी बहन का तो नंबर ही नहीं लग गया, क्योंकि वो शादी में जाना था तो रेडी होने लग रही थी। मेरे जीजा जी चले गए हैं, बोल रहे हैं कि आर्यन को भेजूंगा, आर्यन भी उतरवा देगा। फिर अपना बारी बारी तक थकते गए, फिर मेरी ड्यूटी लगा दी अपना गेहूँ गालने में, उतारने में, अपना ये सारे बिजी थे। सोहित बेटा और मैं लगी हुई हूँ अपना गेहूँ डालने में। आ गए हैं जी बच्चे, मेरे बाबूजी लेकर आए हैं और आर्यन स्कूटी पे, और बड़े खुश हो रहे हैं। इसी का पूछ रही है दादी रेडी हो ले मैं, दादी बोल रही है कि हाँ बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ। आर्यन से भी मना कर दिया कि थोड़े से गेहूँ रह रहे हैं, हमें उतार लेवेंगे। और इसी का तो देखने लगी मेरी माँ, फिर बार बार बोल रही थी कि बेटी जाकर रेडी हो ले, क्योंकि जाने का ही टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम हो गया होगा और देर ना लगाइए, जल्दी से रेडी हो जाना। फिर लेकर आ गए थे मेरे बाबूजी फ्रूटी, और हम अपनी माँ से मना कर रहे थे कि चप्पल मत उठाओ, लेकिन माँ ये कह रही थी कि कुत्ते लेकर भाग जाऊंगी। और होता भी ऐसा ही है, बाहर चप्पल जूता छोड़ दो तो कुत्ते तो जब ही, कई बार हमारे साथ हो भी लिया है। तो माँ बोली नहीं, छाए मैं भी रख दूंगी और कुत्ते लेकर भाग जाओगे तो नुकसान हो जाओगा। फिर मेरे बाबूजी पूछ रहे थे कि गेहूँ उतर गए हो तो, या ना उतरे हो तो फिर उतरवाऊँ। मेरी माँ बोल रही थी कि अब तो नहा लो, क्योंकि सब रेडी हो गए थे। और मेरी जेठानी है, उतरवा दिए हैं इनने गेहूँ तो काम बन गया है अपना। हाँ जी, लगभग एक घंटे के करीब हमारा काम लगे रहा था यो, और सारे ने मिलकर अपना काम निमटवा दिया है। गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, और अपने ही वो कुछ लेट से आ रहे हैं, फिर भी सोचती हूँ एडिटिंग जल्दी करूँ, लेकिन आजकल बिजी काम इतना चल रहा है कि एडिटिंग कर नहीं पा रही हूँ मैं। फिर भी आप लोगों के साथ जैसा भी होता है मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी वो लोग को खूब सारा प्यार दिया करो, सपोर्ट कराया करो। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो ने लाइक कर जाया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बता दिया करो कि अपने ये वो लोग कैसे लगते हैं। सारे एक थकावट सी हो गई थी, फिर अपना अब थोड़ी देर बैठेंगे, फिर पानी पीवेंगे, क्योंकि पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे। और जमा सही पूछो तो मेरा भी इस टाइम पे तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि खाना भी नहीं खाया था इबलग, सोचा कि फिर खाऊंगी। देखो जी फ्रूटी लेकर आए हैं मेरे बाबूजी। तो जी आप सबसे मिलूंगी एक और प्यारे से नेक्स्ट।